तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के एक और नए वीडियो में। आज हम एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेने वाले हैं। इजी क्वेश्चन है पर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि समझने में मुश्किल हो सकती है, तो देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है फर्स्ट बैड वर्जन, ठीक है ये देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा रियलिस्टिक क्वेश्चन है, थोड़ा रियल लाइफ के हिसाब से बता रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या डेटा स्ट्रक्चर लगाना है, क्या एल्गोरिथम लगानी है, डायरेक्ट नहीं बता पड़ेगा, तो समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट फेल्स द क्वालिटी चेक, ठीक है। सिंस ईच वर्जन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन, ऑब्वियस बात है हर वर्जन जो होता है प्रीवियस वर्जन के ऊपर बनता है। ऑल द वर्जन आफ्टर अ बैड वर्जन इज ऑल्सो बैड, ठीक है। मतलब ऐसा है कि इन्होंने मान लो कि 10 वर्जन बनाए और पांचवा वर्जन जो है वो गड़बड़ निकला, तो उसके बाद में जितने भी वर्जन है वो गड़बड़ी होगी क्योंकि वो उसके ऊपर बने हुए। समझ में आया क्वेश्चन? सपोज यू हैव एन वर्जन, अगर मान लो आपके पास एन वर्जन है एंड यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वर्जन विच कॉजेज ऑल द फॉलोइंग वंस टू बी बैड। अच्छा हमें ये बता रहा है कि भाई पहला वाला वर्जन कौन सा है जो कि बैड है। क्या कर रखा है? यू आर गिवन एन एपीआई, एक बूल फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है बूल इज बैड वर्जन, वर्जन दे रखा है उसके अंदर विच रिटर्न वेदर वर्जन इज बैड। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक फंक्शन और एक ईपीआई बना के रख रखी है जो कि आपको ये बताएगा कि वो जो वर्जन है वो बैड है या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है इसका देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट अ फंक्शन टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वर्जन, यू शुड मिनिमाइज द नंबर ऑफ द कॉल्स टू द एपीआई। अच्छा हमें क्या करना है, मतलब एपीआई का कॉल मतलब जो फंक्शन का कॉल जाएगा ना वो भी हमें कम रखना है और हमें सबसे पहला वाला बैड वर्जन निकाल के बताना है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है। एन जैसे 5 दे रखा है, इसमें चौथा वाला जो है वो बैड है, तो ये क्या कह रहा है? कॉल 3 फॉल्स, कॉल 5 ट्रू, देन कॉल 4 इज द फर्स्ट बैड वर्जन, ठीक है। तुम थोड़ा बना के समझते थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक इन्होंने फंक्शन बना रखा है इज बैड वर्जन, इस तरीके से एक फंक्शन बना रखा है, ठीक है। और इसको आप एक पास करोगे, जो भी एक नंबर है वो पास करोगे और ये आपको बताएगा ट्रू या फॉल्स कि भाई वो वर्जन जो है वो बैड है या नहीं है, ठीक है। अब समझ लेते फटाफट से है क्या। लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, ठीक है। लेट सपोज ये जो है ना वो सारे वर्जन है, अलग अलग वर्जन दे रखे हैं। अब इसमें क्या हुआ, इनका जो पांचवा वर्जन गया था ना उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसमें कुछ फट रहा था। अब दिक्कत क्या आई, वो गया उसकी वजह से सारे पीछे वाले आगे वाले जो फटेंगे ना, क्योंकि अब वो उसके ऊपर बना हुआ है तो वो सारे फटेंगे। अब हमें ये वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यार मैं आपको टोटल नंबर ऑफ वर्जन बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्जन इतना है, आप मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला वर्जन मेरा जो है वो बैड वर्जन है, ठीक है। अब कैसे बनाना है, एक तरीका तो क्या है भाई, इसके इस पे 1 पे गए, आप 1 पे गए, 1 को उठाया और आपने इसको भेजा इस बैड वर्जन वाले फंक्शन में भेजा, वहां से ट्रू और फॉल्स आया, अगर ट्रू आया तो भाई बैड है, तो फिर आपने 1 को रिटर्न कर दिया कि भाई ये तो 1 वाला जो है वो बैड है और यहाँ से सारे वाले बैड होंगे, या फिर फॉल्स आया तो आप आगे बढ़े। आप 2 पे गए, फिर आपने कॉल करा इस बैड वर्जन, फिर 3 पे करा। पर ऐसे वाले तरीके में क्या होगा ना, ये तो लीनियर तरीका होगा, इसमें गड़बड़ क्या है कि सब पे कॉल करना पड़ेगा, हर नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, मतलब जितना एन है उतने एन कॉल जाएंगे। अब वो कह रहा है आपको कि मिनिमाइज करो एपीआई कॉल को, ठीक है। तब इसको समझो, देखो तो गेम क्या है ना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज फटाफट देख के समझ में आएगी। वो बोल रहा है कि भाई अ बैड वर्जन, आप ऑल द वर्जन आफ्टर अ बैड वर्जन इज आर बैड वर्जन, ठीक है। मतलब अगर 5वां गड़बड़ निकला, मतलब 5 के बाद में जितने भी है वो बैड है, तो हमें ढूंढना है 5, ठीक है। पर अब इस तरीके से ढूंढ, अब हमें कोई ऐसा नंबर नहीं दे रखा है कि भाई इसमें बताओ कि भाई 5 है या नहीं है, ऐसा नहीं बता रखा है, ठीक है। हमें बस हम बता रखा है कि आप एक भाई नंबर दे देंगे, वो बोलेगा कि 10, तो आप अपन मान के चलेंगे कि भाई 1 से 10 तक के बीच में हमें आइट्रेट करना है या फिर कुछ चेक लगाने हैं जिससे हमें पता पड़े कि भाई कौन सा वाला बैड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगर हम लीनियर पे जाते हैं ना तो लीनियर में तो मेहनत लग जाएगी क्योंकि हर पे कॉल करना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन बाइनरी सर्च वाला ट्राई मारेंगे, ठीक है। अब बाइनरी सर्च वाला कैसे ट्राई मार रहे हैं, अपन क्या करेंगे मिडल निकालेंगे। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो है क्या, बाइनरी सर्च अपन लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो आपको आइडिया है कि स्टार्ट और एंड क्या होता है और मिडल क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट को यहाँ बिठाया, एंड को यहाँ बिठा दिया, अब क्या करते हैं अपन मिडल निकालते हैं। ऑब्वियसली बात है मिडल निकालूंगा, वो यहाँ पे आएगा और फिर वो बता देगा कि भाई मिडिल वाला जो है आपका बैड वर्जन है, ठीक है। पर अब यहाँ पे गेम क्या है, वो ये तो बता देगा कि भाई ये बैड वर्जन है आपका मिडिल पे आते ही, पर वो ये थोड़ा बताएगा कि भाई इसके आगे कोई बैड हो सकता है या नहीं हो सकता, वो नहीं बताएगा ना। तो ये अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही इसने बताया कि भाई ये मिडिल है तो आपको ये मिडिल है, मतलब ये जो मिडिल वाला है वो आपका बैड वर्जन है, तो आप क्या करोगे, अपने एंड को उठा के यहाँ पे ले आओगे
और फिर आप इससे पूछोगे कि भाई क्या, अब तू ये बता मुझे कि क्या इधर कोई बेड है क्या? ठीक है, अगर इधर कोई बेड नहीं है तो स्टार्ट को उठा के यहाँ पे रख दोगे। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड को थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई करेंगे, उसकी लोकेशन और उस तरीके से बताएंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार एक और फटाफट से एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लीजिए, देखो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, लेट सपोज ये 6 हमने लिया, यहाँ पे अपना अपन ने अपना स्टार्ट बिठाया, यहाँ पे अपना एंड बिठाया, मिडिल अपन ने कैलकुलेट करा, ये आया। अपन ये मिडिल पे जैसे गए, अपन ने पूछा कि भाई क्या ये मिडिल वाला मेरा बैड है? वो कहेगा कि भैया हाँ ये तो बैड है। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बना समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, ये वाला बैड मान के चलते हैं। बोलते अपन समझते कि भाई 4 5 और 6, ये जो 3 है ना वो बैड है, बाकी इधर आगे के कोई बैड नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मैंने बोला कि भाई ये मिडिल वाला बैड है, वो कहेगा नहीं है भाई मिडिल वाला बैड नहीं है, स्टार्ट को उठा के यहाँ खड़ा कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे आइट्रेशन लगाओगे, हमें ये तो पता है कि भाई ये वाला बैड है। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि ये मिडिल निकाला, अभी इनका मिडिल निकाला, यहाँ पे आया और मिडिल ने चेक लगा के बोल दिया कि भैया ये बैड है, मान लिया मैंने ये बैड है, पर मुझे तो ये रिटर्न करना है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि भाई बैड होना चालू कहाँ से हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मिडिल आया, इसने बोला कि भाई ये बैड है, बैड है, तो मैंने क्या करा, एंड को उठा के यहाँ पे खड़ा कर दिया, एंड को उठा के मिडिल पे खड़ा कर दूंगा हर बार। और एंड को उठा के मिडिल पे खड़ा कर दे, मैं फिर अब इनमें सर्चिंग करूंगा, इनमें जैसे ही सर्चिंग करूंगा मुझे पता पड़ेगा कि भाई ये भी बैड है, तो ये बैड है फाइनल। और ये जैसे ही बैड हुआ, हम क्या करते हैं, एंड को उठा के यहाँ कर दिया। तो अब एस और एंड एक जगह पे आ गए, हमारा इटरेशन खत्म हो गया, हमने एस रिटर्न कर दिया, स्टार्ट रिटर्न कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोड करके देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है कोड में, दो बंदे बिठा रहे, सबसे पहले तो एक तो बिठाया स्टार्ट वन पे, वन पे बिठा रहा हूँ, ये एरे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर मिल रहे हैं तो एरे का कोई चक्कर नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एरे समझ के आपने जीरो डाल दिया, जीरो नहीं है यहाँ पे, नंबर्स मिलने वाले, तो वन से लेकर यहाँ पे बता रखा है, सपोज यू हैव एन मर्जेंट और एक से चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कभी कभार इंटरव्यू में दिक्कत आ जाती है, तो ये ध्यान रखना है। एंड उठाया, एंड आपको कहाँ रखना है, एन ऊपर से आ रहा है। ठीक है, फंक्शन में आपको एन मिल रहा है, एन जो है वो भी लिमिट पोजीशन है, ये अपन ने करा। अब मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप लगा दूंगा, जैसा अपन हर बार बाइनरी सर्च में लगाते हैं, उसको बोल दूंगा कि भाई जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है ना तब तक तो चलना, चल के क्या करेगा, मिड कैलकुलेट करेगा। मिड कैलकुलेट में थोड़ा सा इस बार अलग तरीके से कर रहा हूँ, कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा स्टार्ट प्लस एंड पूरा एक ब्रैकेट में, और उसको बोल दूंगा मैं भैया राइट शिफ्ट वन। ठीक है, ये मुझे बताना कि आप ये ट्राई करके बताओ कि भाई इससे क्या होता है और ये करने से फायदा क्या होगा, कि लास्ट टाइम जो है हमने अलग अप्रोच यूज करी थी वो डिवाइड बाय टू वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने चेक लगाएंगे, क्या चेक लगाएंगे, मैं बोलूंगा इन्होंने, अब देखो अभी यहाँ पे इन्होंने फंक्शन बना रखा है इस बैड वर्जन, उसका मैं यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि क्या इफ बैड वर्जन कौन मिड वाला, अगर ये बैड वर्जन है, ठीक है, तो ये जो मिड है ना उस पर आप एंड को खड़ा कर दो, ऑब्वियस बात है एंड पे खड़ा कर देंगे। अगर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, एल्स को मिड के आगे ले आएंगे, ताकि हमारा जो है वो नैरो डाउन होता जाए, जो लिमिट है वो नैरो डाउन होती जाए और हमें स्टार्टिंग वाली पोजीशन मिल जाए। तो स्टार्ट को कहाँ ले आऊंगा मैं, स्टार्ट को मैं ले आऊंगा मिड प्लस वन पे, ऑब्वियसली सॉर्टेड सी बात है। अब अपन अपना रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्टार्ट पोजीशन बतानी है कि भाई यहाँ से बैड वर्जन चालू हुआ है आना। अब एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, तुम्हारे केसेस तो चल रहे हैं, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, सबमिट हो रहा है कोड, 25 मिली सेकेंड ले रहा है आज का क्वेश्चन। एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन करते हैं डन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या फिर आपका और भी कोई इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, तो बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।